दोस्तों सिर्फ 3 ही SBI के ऐसे कार्ड हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसमें से जो सबसे पहला SBI का कार्ड है वो है सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, और दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो है कैशबैक क्रेडिट कार्ड, और जो तीसरा जो क्रेडिट कार्ड है वो है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। अब एक एक करके मैं इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, ताकि आपके माइंड से सारी जो चीजें वो क्लियर हो जाए। दोस्तों यहाँ पे जो तीसरे नंबर का कार्ड है वो है SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। अब देखो भाई कि इस जो ये जो क्रेडिट कार्ड है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड, मैं पहले 6 महीने 7 महीने से यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कुछ रियलिटी आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कुछ रियलिटी। इस कार्ड का सबसे मेन फीचर क्या था आपको पता होगा कि कैशबैक, जैसे इसमें नाम में रखा कैशबैक, और कैशबैक करते थे तो आपको 5% का डायरेक्ट कैशबैक मिलता था, ठीक है ना, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इस पे भी अब कैपिंग आ चुकी है, पहले यहाँ पे 10,000 रुपए तक का कैशबैक महीने के अंदर आपको मिल जाता था, लेकिन इसको अब घटा करके 10,000 से 5,000 रुपए यहाँ पे कंपनी कर दी है। कंपनी को घाटा लग जाता है ऐसे कार्ड रिलीज करके, लेकिन ये लोग चार्जेस भी तो लेते हैं, 999 का चार्जेस भी तो लगता है इस कार्ड में। और दोस्तों इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए था, तभी ये आपको कार्ड मिलता था, आसानी से मिलता भी नहीं था। और दूसरा पॉइंट ये था कि इस कार्ड में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 999 प्लस GST पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग चार्ज और रिन्यूअल चार्ज है दोस्तों, बोल सकते हैं एनुअल चार्ज है, ये देना पड़ता था। लेकिन अब यहीं पे दूसरे नंबर का जो कार्ड आता है SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, अब देखो ये जो कार्ड है ना सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, ये तब आपको बहुत ज्यादा काम आ सकता है जब आप रेगुलरली शॉपिंग करते हैं, ठीक है ना, रेगुलरली अगर आप शॉपिंग करते हैं तो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड आपके बहुत ज्यादा काम आता है, और ऑफलाइन करते हैं तो भाई इस कार्ड का और ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और ऑफलाइन या में बहुत ज्यादा बेनिफिट इस कार्ड में तो देखने को मिलता है, ऑनलाइन में भी देखने को मिल जाता है। देखो भाई आपको अगर अप्लाई करना है इस कार्ड को तो यहाँ पे आपको 500 रुपये लग जाते हैं प्लस GST लग जाता है, हालांकि 4999 है, लेकिन हम 500 मान के चलते हैं, और एनुअली आपको 500 रुपये देना पड़ता है। दोस्तों जो हमारा कार्ड है यहाँ पे पहले नंबर पे आता है जो, वो है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। अभी जो सिंपली क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे, इस कार्ड को मैंने नंबर एक पे इसीलिए रखा है क्योंकि अगर आप ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसका यहाँ पे चार्जेस भी बात करते हैं तो 499 चार्जेस हैं प्लस GST है, और ये कार्ड आपको ऑनलाइन में काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप इस कार्ड को बिना इनकम प्रूफ के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे यहाँ पे कम सिविल पे आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कौन से सही तरीके से हमें इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में हम फुल अप्लाइंग प्रोसेस देखेंगे दोस्तों। तीनों कार्ड की जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है, और कैसे आपको करनी है वो मैं आपको पूरा डिटेल शेयर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आज कोई ना कोई आपको कार्ड यहाँ पे अप्रूव होने वाला है, और आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कार्ड यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम इन कार्ड को सही तरीके से कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, आपको हमारे लिंक के थ्रू ही दोस्तों यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट जर्नी पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ दोस्तों, लिंक के थ्रू ही आपको जाना है अगर आपको अप्रूवल चाहिए फास्ट। तो हम सिंपली क्लिक SBI कार्ड की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तीनों कार्ड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और 3 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। जैसे मैं एक कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वैसे ही आपको दोनों अदर कार्ड के लिए भी अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है आपका नेम, और आपका यहाँ पे मिडिल नेम, और आपका यहाँ पे नीचे डालना है लास्ट नेम, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर। ये डालने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स इस पर टिक करना है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे OTP 6 डिजिट का जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, तो उस OTP को यहाँ पे हम एंटर कर देंगे दोस्तों। और एंटर करने के बाद हम यहाँ पे करंट सिटी का पिन कोड डाल देंगे, करंट सिटी सर्च करके डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म सिटी पे क्लिक कर देंगे, इससे सिटी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी आप किस सिटीज पे रह रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, और यहाँ पे नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये डालने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें डालना है मदर का नेम, और यहाँ पे आपको नीचे डालना है ईमेल आईडी, और साथ ही साथ में रेफरल कोड यहाँ पे नीछे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए आपके पास अगर कोई रेफरल कोड नहीं है तो। इसके बाद नीचे चेक बॉक्स है इस पर यहाँ पर टिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे चले जाना है। अब स्टेप 2 पे पूछेगा कि आपकी प्रोफेशनल डिटेल क्या है, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या रिटायर पर्सन है। तो अगर सैलरीड हो तो सैलरीड 1 के भी अप्लाई कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन मिल जाता है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं सैलरीड वन के जैसे अप्लाई करता हूँ, आप सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी कर सकते हो। आपको कंपनी का नेम डालना है यहाँ पे, किस कंपनी में आप काम करते हो और इस कंपनी में आपका डेजिग्नेशन क्या है, मतलब आप किस पद पे हो, आप मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो या हेड हो, जो भी है वो यहाँ पे डाल देना है आपको। और डालने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिजी लॉकर फॉर इंस्टेंट केवाईसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, मतलब आप डिजी लॉकर के थ्रू आपकी इंस्टेंट केवाईसी हो जाती है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा वर्चुअल कार्ड तुरंत हमें मिल जाएगा, हम तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमें आधार कार्ड का नंबर डालना है 12 डिजिट का, और साथ ही साथ में जो यहाँ पे जो कैप्चा होगा उस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे, और हम नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे हमारे जो लिंक मोबाइल नंबर होगा, जो अभी हमने आधार कार्ड डाला है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ एंटर करके और हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद 6 डिजिट का डिजी लॉकर पिन पूछेगा, सिक्योरिटी पिन, आप अपने से डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, 6 डिजिट का कोई भी पिन डाल सकते हैं यहाँ पर, कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है, या फिर फॉरगेट करके भी सिक्योरिटी पिन डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। तो इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक बार एड्रेस दिखाया जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा, उसको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है आपको, और कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, डियर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एलिजिबल हो सिंपली क्रेडिट कार्ड के लेने के लिए, बस आपको कंप्लीट करनी है अपनी KYC और ये कार्ड आपको ऑनलाइन तुरंत मिल जाता है, वो तुरंत एलिजिबल हो जाते हो ट्रांजेक्शन करने के लिए, और फिजिकल कार्ड आपको 7 दिन के अंदर आ जाता है एड्रेस पे। अब यहाँ दो ऑप्शन मिलते हैं, एक वीडियो KYC का और एक ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन का। अगर मेरे से पूछोगे मैं क्या यूज़ करता हूँ, ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन सेलेक्ट करें। इसमें क्या होगा कि 1 रुपये ये लोग आपके खाते में डालेंगे ठीक है, जिसमें भी आपकी इनकम आती है, और साथ ही साथ में उसी से आपको 1 रुपये का पेमेंट करना है, इससे उनके पास डिटेल चली जाएगी, उसके बाद बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सेल्फी अपनी देनी है दोस्तों, सेल्फी देने के लिए यहाँ पे क्लिक नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे गैलरी या फिर कैमरे से आपको सेल्फी देनी है। तो 1 रुपये यहाँ पे क्रेडिट करा जाएगा बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में कंपनी की तरफ से, और साथ ही साथ में फिर आपको 1 रुपये ट्रांसफ़र भी यहाँ पे करना होगा। इससे आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता चल जाता है कंपनी को, और आपका जो अप्रूवल है वो तुरंत यहाँ पर ऑनलाइन आ जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हम कर लेते हैं दोस्तों। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेल्फी दे देते हैं सबसे पहले। तो इसके बाद हम स्टार्ट विथ Part 1 से करेंगे। Part 1 में जैसे कि हमें कंपनी की तरफ से हमारे पास 1 रुपया आएगा, तो हमें अपनी बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट विथ Part 1 पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बैंक नेम, माई अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है आपको, और एक बार और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको डालना है, और साथ ही साथ में आपको IFSC कोड डालना है। इसी खाते में आपके 1 रुपये डाले जाएंगे, इससे आपका वेरिफिकेशन होगा, और फिर उसी से आपको 1 रुपये का पेमेंट भी करना है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। ये हो चुका है पहला प्रोसेस। अब हमें यहाँ पे अपने से पे करना होगा, यहाँ लिखा है कंटिन्यू टू पे 1 रुपये, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू टू पे 1 रुपये पे करेंगे क्लिक। अब हमें यहाँ से उनको ट्रांसफ़र करना होगा ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद ही आपका सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज़ पे क्लिक करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड आते हैं पे करने के लिए। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग और UPI ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, इन दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करके आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम UPI बहुत इजी ऑप्शन है, बस आपको अपनी UPI ID डालनी है और 1 रुपये वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम UPI ID वाला सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपनी UPI ID यहाँ पर डाल देनी है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस पे। इसके बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। नेट बैंकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए ये आपसे ऑप्शन अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, 1 रुपये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी KYC वेरिफिकेशन जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी है ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और देखेंगे हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें देख सकते हो लिमिट दिख गई कि हमारी 30,000 की लिमिट अप्रूव हुई है, और हमें यहाँ पे टैक्स दिख गया, मतलब यहाँ पे दिख गया कितनी फीस लग रही है, एनुअल फीस 499 प्लस टैक्स, और रिन्यूअल फीस कितनी लग रही है। साथ ही साथ में कुछ गिफ्ट वाउचर्स भी मिलते हैं अगर आप 30 डेज़ के अंदर यूज़ करते हो, वो आपको इसी में मिल जाएगा आपको, मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। व्यू बेनिफिट पर क्लिक करके वो देख सकते हैं आप लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा इसमें ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से ही एप्लीकेशन को यूज़ करना है, मतलब कार्ड को अप्लाई करना है। इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, अगर हम ये कार्ड चाहिए तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके इसको हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पे डियर योर एप्लीकेशन सबमिटेड का ऐसे मैसेज आ जाएगा, और वी जनरेटिंग योर वर्चुअल कार्ड, आपको
एक 100% होने तक का वेट करना है, आपको इस तरह का वर्चुअल कार्ड तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। आप सीवीवी नंबर भी देख सकते हैं, अपना कार्ड नंबर भी देख सकते हैं, और यहाँ पे एक्टिवेट कार्ड यूजर्स का एक ऑप्शन है, इसमें जा करके आप अपने कार्ड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इससे आपको तुरंत इंस्टेंट ऑनलाइन कार्ड यहाँ पे मिल जाता है, और अपनी सेवा भी जो भी ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था तरीका यहाँ पे SBI का कार्ड अप्लाई करने का। तीनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।